एसएसबी ने नाकाबंदी कर पकड़ा पिकअप सहित 120 बोरी अवैध लहसुन। महाराजगंज जनपद के थाना निचलौल क्षेत्र के भारत नेपाल बॉर्डर पर रविवार को एसएसबी 22वीं वाहिनी समवाय प्रभारी झुल्लीपुर निरीक्षक मुकेश कुमार को विशेष मुखबिर की सूचना पर मिली कि 499/4 के पास से नेपाल से भारत की ओर कर्मिश्मा गांव होते हुए वाहन में अवैध लहसुन जाएगा। अगर समय पर नाका लगाया जाए तो सामान पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर निरीक्षक मुकेश कुमार, मुख्य आरक्षी कुलदीप कुमार, मुख्य आरक्षी मंजू, आरक्षी निसार अहमद, अजय कुमार, चालक पारस को समय 2:25 रवाना हुए। उपरोक्त सूचना को देख जी समवाय प्रभारी पथलावा को भी अवगत कराया गया और उसमें भी अपने नाका पार्टी को अनुरोध किया गया। पश्चात लगभग 3:05 पर नेपाल से भारत की ओर एक वाहन आता दिखाई दिया। नाका पार्टी को चौकन्ना कर बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की गई, परंतु वाहन चालक गाड़ी को भगाकर कनमिसवा गाँव होते हुए गिड़ावा और बढ़िया गाँव की तरफ भाग निकला। भागने की सूचना पर राजकुमार गौड़ व 3 अन्य निरीक्षक कोस्तांचू प्रेमनाथ भागीरथ मीना को दी गई। उन्होंने भी अपने नाका पार्टी को सरकारी वाहन से भागते वाहन का पीछा किया और अपने नाका पार्टी सहित सरकारी वाहन से पीछा किया गया। आगे जाकर बढ़िया गांव के समीप गंडक नहर पुल के पास घेराव कर रोका गया। पूछे जाने पर नाम व पता बिरजेश पुत्र गिरधारी वार्ड नंबर 4 नगर पंचायत निचलौल मियाँ मोहल्ला जिला महाराजगंज बताया और चालक से भागने का कारण पूछा गया तो वह डर कर भागने का कारण बताया। जब वाहन की तलाशी ली गई महिंद्रा बोलोरो पिकअप UP56AT1936 है, जिस पर 120 बोरी अवैध लहसुन लदा हुआ मिला। उक्त सामान का कागजात मांगा गया तो चालक बोला, साहब ये सामान तो नेपाल से अवैध रास्ते से लाया हूँ, इसका कोई कागजात नहीं है, इसमें मैं आगे गांव तक ले जाता जिसका हमें 1700 रुपया किराया मिलता है। उक्त सामान को बरामद कर अग्रिम कार्रवाई हेतु सीमा शुल्क निचलौल को सुपुर्द किया गया। इस मौके पर एसएसबी निरीक्षक झुल्लीपुर मुकेश कुमार, पथलावा प्रभारी निरीक्षक राजकुमार गौड़, कोच तांचू कुलदीप कुमार, मंजू प्रेमनाथ, निशार अहमद, अजय कुमार, संदीप कुमार, भागीरथ मीना सहित आदि जवान मौजूद रहे।